हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि नाहटा एंड वेलकम बैक टू मसाला होस्टी। आजकल इतनी भागदौड़ हो गई है जिंदगी में कि हम अपना ख्याल रखना भूल गए हैं। चाहे हम हो, हमारे हस्बैंड्स हो या हमारे बच्चे हो, बिल्कुल टाइम नहीं है। इतना तो हम कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाओ, अपना ध्यान रखो, वाइटामिन आपको डी की जरूरत है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको नट्स खाना चाहिए, एक्स वाई जेड। अपनी इतनी सारी दिन कंफ्यूज कि एक्चुअली डाइटिंग क्या होती है, सही फूड क्या खाना चाहिए, सुपर फूड क्या होता है। तो इस भागदौड़ के चक्कर में हमारा एक्चुअली जो पौष्टिकता है वो रह जाती है। तो इसलिए मैं अभी एक सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें आपको मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से ग्रेनोला बार सिखाने वाली हूँ। तो ग्रेनोलास या फिर डिफरेंट टाइप्स के ऐसे चिक्कीज टाइप बोल दो, तो वैसा ही मैं कुछ डिफरेंट लेके आने वाली हूँ। इट्स गोइंग टू बी फ्यूजन। हम बहुत अच्छे अच्छे और डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेके आऊंगी। तो चलिए बिल्कुल फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि हम आज कौन सा वाला बना रहे हैं। चलिए फटाफट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने पैन गरम कर रख दिया है और हम सबसे पहले बनाएंगे हनी एंड सिनेमन के ग्रेनोलास। उसके लिए आप एक छोटी सी ट्रे को ग्रीस करके रेडी रख लीजिए और हम सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारे देखिए मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड लिया हुआ है और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि इसका कच्चापन चले जाए। अगर आपको कच्चा पसंद आता है तो नथिंग लाइक इट। देखिए अब हम रोस्ट कर रहे हैं वाटरमेलन सीड्स को। फ्रेंड्स ये देखिए मैं एक आइडिया आपको दे रही हूँ कि आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर फ्लैग सीड्स डाल सकते हो, आप इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के आजकल सीड्स आ रहे हैं जो बोलते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं अपने हार्ट के लिए। तो ज़रूर इसका एक बार आप बना के आप इसको रख लीजिए और जब मन में आया जब एक पीस खा लीजिए। और थोड़ा सा बीच में ना छोटी वाली जो बुक होती है ना स्नैक्स, जब हम चुड़िया मुझे जाके नमकीन वगैरह खा लेते हैं, उससे अच्छा होता है कि ये जाके एक निकाला और खा लिया। बस देखिए फटाफट भून रहा है और इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ टेम्परेचर को, ताकि ये हल्के हल्के भून जाए। बस आप जब ये पटक चटकने लग जाए तब आप निकाल लीजिए। देखिए मैंने सब चीज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ली है। अब मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ थोड़े से ओट्स को, ओट्स को भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसके अंदर थोड़े से तिल को भी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। कहा जाता है कि तिल बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। हम लोग तो बस फैट्स फैट्स बोल के एक्चुअली खाते नहीं हैं। देखिए मैं सब चीज़ एक साथ में डाल दे रही हूँ, बिकॉज ये रोस्ट हो गया तो आपको इतना जरूरत है। थोड़ा सा हल्का सा हम लोग क्या करेंगे, नारियल के पीस निकालेंगे। और मेरे पास देखिए आलमंड्स है जिसको मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके मैंने इसको मोटे मोटे कूट लिया है मैंने इनफैक्ट। चलिए ये हो गया रोस्टिंग। चलिए फ्रेंड्स पैन मैंने गरम रख दिया है और इसमें हम ले रहे हैं हाफ कप चीनी। हाफ कप चीनी लेने के बाद में हम फ्रेंड्स आप इसको हिलाते रहिए और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हनी। हनी आप या तो पूरे हनी में बना सकते हो, आप पूरा का पूरा ओनली चीनी से बना सकते हो। देखिए मैंने क्वार्टर कप हनी डाल दिया है इसके अंदर। ऑलरेडी हनी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताऊं मैं। फ्रेंड्स अभी मैंने सिर्फ क्वार्टर कप हनी डाला है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं इसके अंदर और चाहिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स जब ये पिघलने लग जाए तो और थोड़ा सा ध्यान रखिए और इसको चलाते रहिएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा कम पड़ेगा तो मैं इसके अंदर और हनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं, बिकॉज अभी हनी थोड़ा जूसी रहता है। तो इसके अंदर अभी ये हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसके अंदर हमारा ये ड्राई मिक्सचर पूरा का पूरा डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़े से फिक्स जो हमारे पास हैं कटे हुए वो आधा कप थोड़ा सा फिक्स डाल सकते हैं, आप रेजिन्स डाल सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स ये इसके अंदर आप डालने के बाद में फ्लेम को ऑफ करके अब आप इसके अंदर सिनेमन का पाउडर डाल दीजिए। देखिए मैं ढेर सारा सिनेमन पाउडर डाल रही हूँ, मतलब अबाउट हाफ से थ्री फोर चम्मच सिनेमन पाउडर है मेरे पास, वो आप डाल दीजिए। और आप इसको देखिए फ्रेंड्स अब मीठापन जो आपको चाहिए वो आपके घर के टेस्ट के हिसाब से रहेगा, आपके टेस्ट के हिसाब से रहेगा। मगर आप देखिए मैं थोड़ा सा हमारे घर पे कम मीठा खाते हैं तो हमने मैंने काफ़ी टाइट ये बनाया है। अब
ये जो है मैं पूरा का पूरा सेट कर लूंगी इसको। हम ये भी ट्रे में निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। और देखिए हमारा जो पराठा सेकने वाला होता है ना, इससे आप इसको दबा दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सिनेमन की खुशबू नहीं पसंद है, जैसे बहुत लोगों के लगते हैं सिनेमन की खुशबू नहीं पसंद होती है, तो आप कोई भी अपने हिसाब से फ्लेवर डाल सकते हो। आप सॉल्ट का फ्लेवर डाल सकते हो, जिंजर का मतलब जो होती है सूखी हुई जिंजर, उसका पाउडर का फ्लेवर डाल सकते हो, इलायची केसर डाल सकते हो। बस अब हम क्या करेंगे, इसको गरम गरम ही काट लेंगे। इसको गरम में ही हमको कट्स लगाने का, आपको क्या शेप चाहिए वो आपके ऊपर है। अभी काट लेंगे तो बहुत इजीली हमको जब निकालना होगा ना, तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। ये सब काम थोड़ा सा आपको पेशेंस से जल्दी ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये बाद में सेट हो जाएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको बस तोड़ना पड़ेगा, फिर वो रफ हो जाएगा एकदम से। अगर आपको लग रहा है चिपक रहे हैं बार बार, तो इसके अंदर थोड़ा सा आप क्या करिए, कोई भी घी या चिकनास लगा लीजिए, कोई भी घी या कुछ भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊँ, बहुत बार अपने को कोई भी फेस्टिवल्स जैसे होता है ना, कि जैसे दिवाली है या कोई भी ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, और बाद में अपने को पता नहीं रहता कि इसको क्या करें। और आजकल तो ग्रैनोला बार्स के नाम पे बच्चे वगैरह सब खा लेंगे, तो बस आप ये वाला जरूर एक बार ट्राई करिए, मेरे कहने पे ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए मैं अभी से थोड़ा डीप इसको काट के रख रही हूँ, क्योंकि अभी गर्म, तो चलिए मिलते हैं इसको ठंडा करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे ग्रैनोला बार्स कैसे बने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप देखिए इस एक साइड से थोड़ा सा निकालना शुरू कर दीजिए। देखिए मैंने ट्रे पे एक फॉइल पेपर लगा लिया है, और अब इनको आराम से हम निकाल लेंगे। ये एक चक्के देखते हैं, कितने क्रिस्प बने हैं आप खुद देखिए, आपको तो आवाज आ रही होगी। तो कैसे लगे आपको हमारे ग्रैनोला बार्स, है ना बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, अच्छे, एकदम इजी टू मेक। तो आप जाइए फटाफट बनाइए, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सको तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और नोटिफिकेशन वाला बेल भी दबा दो, और अपना बहुत सारा ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला।